क्वीन विक्टोरिया वॉज अ कैरियर ऑफ हेमोफीलिया, ये क्वेश्चन आता भी है नीट में कि क्वीन विक्टोरिया जो थी वो हेमोफिलिक कैरियर थी। हेलो एवरीवन, माईसेल्फ मनीष कौशिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी विद मनीष सर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। ट्वेल्थ एंड नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा तो बहुत रेयर होता है कि नीट में इससे क्वेश्चन ना आए। तो हम पेडिग्री एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और साथ साथ सबसे पहले समझेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। पेडिग्री एनालिसिस इज बेसिकली अ चार्ट या एनालिसिस जिससे हम बता पाएं कि कौन से कैरेक्टर्स या कौन से डिसऑर्डर्स आपकी फैमिली हिस्ट्री में चलते आ रहे हैं, वो एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ऑटोसोमल लिंक्ड है, कैसे हैं। मींस जो जीन म्यूटेटेड है वो जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट है या एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है या वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। दिस इज ऑल अबाउट पेडिग्री एनालिसिस जिससे हम फैमिली हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स स्टडी करते हैं। ओके, तो कुछ बेसिक बातें हम पढ़ते हैं। इन ह्यूमन कंट्रोल क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल सो द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस इज यूज्ड। Such an analysis of genetic traits in several generations of a family is called as pedigree analysis. इसके साथ साथ the representation or chart showing family history is called a family tree or pedigree. In human genetics, pedigree study is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease or disorder. ये सब pedigree हमें बताती है और हमें pedigree analysis की डिटेल पढ़नी है। ओके, तो सबसे पहले बेसिक से पढ़ते हैं कि हम एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं पेडिग्री में। तो जब भी एक स्क्वायर बना हो दैट रिप्रेजेंट द मेल, मेल्स को हम जनरली ऐसे लिखते हैं बायोलॉजी में साइन, और पेडिग्री में हम मेल्स को ऐसे लिखेंगे। फीमेल एक सर्कल बना हो और ऐसा बना हो दैट इज फीमेल, अ क्लोज सर्कल। सेक्स अनस्पेसिफाइड, ऐसी शेप रिप्रेजेंट सेक्स अनस्पेसिफाइड। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, अगर मेल अफेक्टेड है तो मेल शेडेड होगा, फीमेल अफेक्टेड है तो फीमेल शेडेड होगी, और अनस्पेसिफाइड सेक्स वाला अफेक्टेड है तो वो शेडेड होगा। इज इट ओके? मेटिंग, जब हम एक मेल और एक फीमेल की शादी हुई है, मेटिंग हुई है, तो हम एक सिंगल लाइन उन दोनों के बीच में ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट इज मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, दैट इज कंसेंजनस मैरिजेस। इसमें एग्जैक्टली दिस इज मेटिंग बिटवीन रिलेटिव कि एक मेल और फीमेल के बीच में शादी हुई है, लेकिन वो दोनों जो हैं वो जेनेटिकली उनके कभी ना कभी एक दो जनरेशन पहले कोई कॉमन एंसेस्टर रहा है, मींस वो रिलेटिव्स हैं। इज इट ओके? पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये हम ऐसे एक पेडिग्री रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा पेरेंट्स को ऊपर, उसके नीचे ब्रांचिंग दिखा के बच्चे। पेरेंट्स विद अफेक्टेड मेल चाइल्ड, ये पेरेंट्स हैं दोनों और उनका एक मेल चाइल्ड, एक बच्चा हुआ है, एक लड़का हुआ है जो कि अफेक्टेड है। फाइव अनस्पेसिफाइड अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को हम जनरली ऐसे दिखा देते हैं। इज इट ओके? अब पेडिग्री एनालिसिस में थोड़ा और ध्यान से समझिएगा। पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चंस करने के लिए आपको बेसिकली पेडिग्री के रूल्स पता होने चाहिए। पेडिग्री के रूल से पहले मैंने पेडिग्री एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वीडियो डाली थी और वो वीडियो बहुत जरूरी थी फॉर पेडिग्री एनालिसिस, तो आपको पहले वो वीडियो एक बार देखनी पड़ेगी। हार्डली 19 मिनट्स की, आप 1.5x की स्पीड पे देखते हो तो आपकी 12-13 मिनट में वो वीडियो कवर अप हो जाएगी, और पेडिग्री का बेसिक सब कुछ उसी में ही है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं रूल्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। तो सबसे पहले कोई बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, इसके क्या क्या रूल्स हैं। अगर कोई पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की है तो वो क्या क्या उसके कैरेक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहले अपीयर्स इन बोथ सेक्सेस इन इक्वल फ्रीक्वेंसी। भाई ऑटोसोमल बीमारी है, ऑटोसोम्स तो मेल और फीमेल में बराबर ही है, 22-22, तो अपीयर्स इन बोथ सेक्सेस इन इक्वल फ्रीक्वेंसी, बराबर चांसेस हैं मेल और फीमेल के अफेक्ट होने के इन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। डजंट स्किप जनरेशंस, इसका मतलब क्या है। डजंट स्किप जनरेशन का मतलब है कि कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। मींस मेल और फीमेल अफेक्टेड है तो नेक्स्ट जनरेशन में कोई ना कोई बच्चा अफेक्टेड होगा, ऐसा समझो। इस पेडिग्री में भी देखते हैं, इस पेडिग्री में ही देखते हैं। देखो ये अफेक्टेड फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, मींस नेक्स्ट जनरेशन में कोई ना कोई बच्चे ये बीमार होंगे, जनरेशन स्किप नहीं होगी। लेकिन अब किसी किसी बच्चे का सवाल होगा कि सर ये तो नॉर्मल है,
ये फीमेल भी नॉर्मल है और इसके सारे बच्चे भी नॉर्मल आए, तो मतलब यहाँ पे तो जनरेशन स्किप हो गई, मींस एक जनरेशन में बीमार है, अगली जनरेशन में कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनमें अब वो बीमारी एलिमिनेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जनरेशन स्किप का एग्जैक्ट मतलब होता है एक जनरेशन में बीमारी हो, नेक्स्ट में ना हो और फिर नेक्स्ट में दोबारा वो बीमारी आ जाए, ये होता है जनरेशन स्किप। ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर कोई भी डोमिनेंट डिसऑर्डर में जनरेशन स्किप नहीं होती। अगर बहुत क्लियर हिंट है, अगर किसी एक जनरेशन में कोई डिजीज इंडिविजुअल, अफेक्टेड इंडिविजुअल आपको दिखे, नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी नहीं है और उससे नेक्स्ट जनरेशन में अगेन कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल पैदा हो जाए तो मींस वो बीमारी रिसेसिव है, इट कांट बी डोमिनेंट। तो यहां पे ये रूल समझ आया सबको, डजंट स्किप जनरेशन। नेक्स्ट, हेटरोजाइगस कंडीशन इज अफेक्टेड। लास्ट वीडियो में अगेन मैंने अपलोड कर दिया जेनेटिक डिसऑर्डर की वीडियो, उसमें बताया था कि अफेक्टेड कैपिटल ए स्मॉल ए की जो कंडीशन होती है वो अफेक्टेड होती है। मतलब अगर कोई इंसान के पास ये जीनोटाइप है और हम स्टडी कर रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, तो मींस वो बीमार है। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4, अफेक्टेड चिल्ड्रन विल हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। अगर कोई बच्चा बीमार है, ये बच्चा बीमार है, तो कोई ना कोई एक पेरेंट अफेक्ट होगा ही होगा। ये बच्चा बीमार है तो कोई ना कोई एक पेरेंट अफेक्ट होगा ही होगा। रीजन जानते हैं हम क्यों। अफेक्टेड इंडिविजुअल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट में, मैं यहां पे लिख देता हूं ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए अफेक्टेड होते हैं और स्मॉल ए नॉर्मल होती है। ओके, अब यहां पे देखो ये अफेक्टेड है मतलब इसका जीनोटाइप या तो ये होगा या कैपिटल ए होगा। अगर ये जीनोटाइप है मतलब जाहिर सी बात है या तो ये कैपिटल ए जो है ये मदर से आया या फादर से आया, किसी एक से तो आया ही है, और जिससे भी आया वो भी बीमार होगा। मींस अगर बच्चा बीमार है तो माताजी या पिताजी में से कोई एक तो बीमार होगा ही होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर्स का ये कुछ रूल्स होते हैं, इज इट ओके। तो दीज आर दी रूल्स ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पे, और फर्स्ट रूल इज कॉमन, अपीयर्स इन बोथ सेक्सेस विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना, और मेल फीमेल में इक्वल चांसेस होते हैं बीमार होने के। कैन स्किप जनरेशंस। अब जनरेशन स्किप का मतलब समझो, देखो इस जनरेशन में कोई भी बीमार नहीं है, ना माताजी ना पिताजी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में बीमार बच्चे पैदा हो गए। और ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए क्या होता है, कैपिटल ए इज नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए इज नॉर्मल बट कैरियर, एंड स्मॉल ए इज अफेक्टेड। तो ये देखो ये स्मॉल ए, एक स्मॉल ए यहां से आया, एक स्मॉल ए यहां से आया, जबी तो ये बच्चा स्मॉल ए पैदा हुआ है, जेनेटिक्स का बेसिक। तो अब ये इन दोनों के जीनोटाइप ये हो सकते हैं, दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स का अफेक्टेड बच्चा, ये स्किप जनरेशन हो रही है, जनरेशन स्किप हो रही है कि एक जनरेशन में कोई बीमारी नहीं है, अगली जनरेशन में सडनली बीमारी, कोई बीमार बच्चा पैदा हो गया। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ जनरेशन स्किपिंग। ओके, अफेक्टेड चाइल्ड कैन हैव अनअफेक्टेड पेरेंट, अफेक्टेड चाइल्ड कैन हैव अनअफेक्टेड पेरेंट, अभी समझाया आपको। नेक्स्ट, टू अफेक्टेड पेरेंट विल ऑलवेज हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। अगर दो पेरेंट अफेक्टेड हैं, स्मॉल ए टू स्मॉल ए, तो जाहिर सी बात है सारे बच्चे ही बीमार पैदा होंगे, रूल है, इज इट ओके। नेक्स्ट, इफ टू अनअफेक्टेड पेरेंट हैव अफेक्टेड चाइल्ड, अगर दो अनअफेक्टेड पेरेंट का अफेक्टेड बच्चा पैदा हो गया, मतलब वो दोनों अनअफेक्टेड पेरेंट हेटरोजाइगस थे, मींस कैपिटल ए स्मॉल ए, इज इट ओके, क्लियर है इतना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर के लिए रूल, अब सबसे पहली स्टेटमेंट, सबसे पहला रूल, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन बी अफेक्टेड बट नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन मेल्स। इस लाइन को समझे तो आप ऐसे समझो एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर में कि अगर हम मेल्स की बात करें तो एक्स वाई इज नॉर्मल और एक्स डॉट वाई इज अफेक्टेड, हम बीमारी पढ़ रहे हैं डोमिनेंट डिसऑर्डर। फीमेल की बात करें तो एक्स एक्स इज नॉर्मल बट एक्स डॉट एक्स
इज अफेक्टेड, क्योंकि मैंने बोला है डोमिनेंट डिसऑर्डर में दोनों जीन में से कोई एक भी म्यूटेट हुआ तो बंदा या बंदी जो भी है बीमार। अब कोई बच्चे जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं अगेन बोल रहा हूं, लास्ट वीडियो जो थी वो जेनेटिक डिसऑर्डर की थी, उसमें ये सब मैंने समझा दिया था। ओके, तो एक्स डॉट एक्स अफेक्टेड। अब एक्स डॉट इसमें तो दोनों ही जीन म्यूटेटेड है, दिस इज अगेन अफेक्टेड। ओके, तो अब देखो मेल्स के अफेक्ट होने के चांस कितने हैं, 1/2, लेकिन फीमेल्स के कितने हैं, 2/3। तो ओवरऑल रेशियो में देखोगे तो नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन नंबर ऑफ मेल्स। आगे बढ़ते हैं, डजंट स्किप जनरेशन, अभी अभी समझा है डोमिनेंट डिसऑर्डर में जनरेशन स्किपिंग का केस नहीं होता। जनरेशन स्किप इज अगेन एक जनरेशन में बीमारी है, अगली जनरेशन में नहीं है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में आ जाए, मतलब वो डिसऑर्डर रिसेसिव है। डोमिनेंट डिसऑर्डर में ऐसे जनरेशन स्किप नहीं होती। अब सबसे जरूरी रूल, ये जो लैंग्वेज लिखी है ना ये सीबीएसई में लिखने के काम आती है, मैं आपको रूल समझाता हूं, इस रूल को अच्छे से रट लेना। डोमिनेंट डिसऑर्डर का रूल है एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर का, आप एक पेडिग्री में एक बीमार आदमी ढूंढना, क्या ढूंढोगे, बीमार आदमी, ठीक है। वो जो अफेक्टेड मेल होगा उसकी मदर, उसकी माताजी अगर बीमार हैं और उसकी सारी बेटियां डॉटर्स अगर बीमार हैं तो 1000% वो एक्स लिंक डोमिनेंट है। लेकिन ये कंडीशन उस पेडिग्री में हर जगह सूट करनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। अगेन बोल रहा हूं, एक्स लिंक डोमिनेंट का, एक्स लिंक डोमिनेंट की पेडिग्री जब भी देखोगे, अगर आपके सामने कोई पेडिग्री का क्वेश्चन आया, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए, एक बीमार आदमी ढूंढो, उसकी माताजी बीमार, उसकी सारी बेटियां बीमार अगर हैं, ऐसा है, सारी मतलब सारी ऑल डॉटर्स एंड मदर्स तो एक ही होगी, अगर ये सब बीमार हैं तो मींस वो पेडिग्री एक्स लिंक डोमिनेंट की है, इज इट ओके। अभी मैं सारे रूल समझा दूं, फिर दो तीन रूल बता दूंगा, उन्हें रट्टा मार लेना और उनसे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक रिसेसिव में अगर मेल्स को देखें तो एक्स वाई इज नॉर्मल, एक्स डॉट वाई इज अफेक्टेड, लेकिन फीमेल्स को देखें एक्स एक्स इज नॉर्मल, एक्स डॉट एक्स इज नॉर्मल बट कैरियर, एक्स डॉट इज अफेक्टेड। तो मेल बीमार होने के चांसेस 1/2, लेकिन फीमेल बीमार होने के चांसेस 1/3, मतलब चांसेस किसके साथ है, मेल्स के। तो क्या लिखते हैं हम, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन बी अफेक्टेड बट नंबर ऑफ मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। कैन स्किप जनरेशन, दो तीन बार बता चुका हूं, जनरेशन स्किप हो जाती है रिसेसिव में। अब ये लिखने के लिए रूल है, मैं रूल आपको समझाता हूं, एक्स लिंक डोमिनेंट से ओपोजिट कर दो। अगर किसी पेडिग्री में कोई पेडिग्री आपके सामने है, आप उसमें ढूंढो अफेक्टेड फीमेल, क्या ढूंढोगे, अफेक्टेड फीमेल, एक बीमार लड़की। अगर उस लड़की के पिताजी बीमार हैं और सारे बेटे बीमार हैं तो वो बीमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, वो पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव की है 1000% श्योर, इज इट ओके। तो अब ये जो रूल है ये इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लड़का लड़की लड़का, ऐसे ही एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में भी पढ़ा हमने, लड़की लड़का लड़की, मतलब क्रिस क्रॉस पैटर्न चल रहा है, एक जनरेशन में एक सेक्स, अगली जनरेशन में ओपोजिट सेक्स, फिर ओपोजिट, फिर ओपोजिट, ऐसे, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का रूल क्या बन गया, आप एक पेडिग्री देखते ही एक बीमार लड़की को ढूंढोगे, उसके पिताजी बीमार होने चाहिए और उसके सारे बेटे बीमार होने चाहिए, मींस 1000% इट इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इज इट ओके। आगे नेक्स्ट इज वाई लिंक। वाई लिंक भाई, वाई लिंक तो सिर्फ मेल्स को होगी, एक्स वाई अगर नॉर्मल है तो एक्स वाई डॉट इज अफेक्टेड। अब इसमें सिंपल रूल है, अगर एक आदमी बीमार है तो उसके सारे बेटे बीमार होंगे, कभी भी एक मेल बीमार और उसके सारे बेटे बीमार चल रहे, मींस वाई लिंक्ड है। ये देखो आदमी बीमार, ये बेटा बीमार, ये तो बेटी है, ठीक है। अब इसे मत देखने लग जाना, ये इसका दामाद है, ये इसका बेटा नहीं है, ये इसका दामाद है, इसकी बेटी का हस्बैंड, समझ आ रहा है ना। अब ये देखो ये मेल बीमार था, अब ये इसने शादी की एक नॉर्मल लड़की से, तीन लड़के पैदा हुए, तीनों बीमार, मींस ऐसी बीमारियां, ऐसी पेडिग्री आर वाई लिंक्ड। ओके, आई थिंक आई होप रूल्स क्लियर होंगे। अब मैं आपको ये रूल्स समझाने के बाद शॉर्टकट चीजें बताता हूं।
पेडिग्री आपके सामने आएगी। आप सबसे पहले स्टडी करोगे कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही। अगर जनरेशन स्किप हो गई, 1000% रिसेसिव है, डोमिनेंट तो हट गया। अगर जनरेशन स्किप हो गई तो रिसेसिव ही है पेडिग्री, डोमिनेंट का केस हट गया। अब रिसेसिव में क्या देखोगे, अगर एक्स लिंक रिसेसिव के लिए देखेंगे, एक लड़की बीमार, लड़की ढूंढो, उसके पिताजी बीमार और उसके सारे बेटे बीमार, तो एक्स लिंक रिसेसिव है। अगर ये केस सेल हो गया, मतलब दूसरा केस ऑटोसोमल रिसेसिव है, हाँ या ना। अब दूसरा, अगर कोई जनरेशन स्किप नहीं हुई है तो बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, अगर कोई जनरेशन स्किप नहीं हुई है तो बच्चे सोचते हैं अब तो ये डोमिनेंट हो गई, नहीं, अब उसमें चारों केस ओपन है, इट कैन बी डोमिनेंट, इट कैन बी रिसेसिव, ओके, चारों मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, इन चार की कॉमनली बात हम करते हैं। अगर जनरेशन स्किप नहीं हुई है तो आप सारे रूल्स अप्लाई करोगे, तो उस केस में आप सबसे पहले एक्स लिंक रिसेसिव के लिए स्टडी कर लो, बीमार लड़की ढूंढो, पिताजी बीमार और सारे बेटे बीमार, तो एक्स लिंक रिसेसिव है। बीमार लड़का ढूंढो, माताजी बीमार और सारी बेटियां बीमार, तो एक्स लिंक डोमिनेंट है। और ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, वो अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, 5-6 क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके लिए, ये क्वेश्चन अगर आपने समझे किए तो आपका काम बन जाएगा, फिर आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना सब हो जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ एनसीईआरटी में पेडिग्रीज गिवन है, और मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था ऑटोसोमल डोमिनेंट की एक ही पेडिग्री आपके कोर्स में, एक ही एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये उसकी पेडिग्री गिवन है। एक ऑटोसोमल रिसेसिव एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, किसकी पेडिग्री गिवन है। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और ये फैक्ट है, क्वीन विक्टोरिया वॉज अ कैरियर ऑफ हेमोफीलिया, ये क्वेश्चन आता भी है नीट में कि क्वीन विक्टोरिया जो थी वो हेमोफिलिक कैरियर थी। ओके, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस पेडिग्री में देखो, ये एक नॉर्मल मेल है और ये एक अफेक्टेड फीमेल है। नॉर्मल मेल अफेक्टेड फीमेल में फिर इनके 3 बच्चे हुए, ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा है। ये पहला जो बच्चा पैदा हुआ ये एक अफेक्टेड मेल है, ये वाली एक नॉर्मल फीमेल है और ये एक अफेक्टेड फीमेल है। इस अफेक्टेड फीमेल ने एक अफेक्टेड मेल से शादी की, फिर इनके 5 बच्चे हुए। जरूरत नहीं होती इतने बच्चे पैदा करने की, लेकिन हाँ पेडिग्री है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये अफेक्टेड फीमेल, ये नॉर्मल अफेक्टेड मेल, फिर नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। इस अफेक्टेड मेल ने शादी की एक नॉर्मल फीमेल से और यहां पे 3 बच्चे हुए, एक अफेक्टेड फीमेल, नॉर्मल मेल, अफेक्टेड मेल, ठीक है। ये पेडिग्री, ये तो मैं पहली बार है इसलिए ऐसे समझा रहा हूं। ओके, सबसे पहले जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं हो रही, नहीं हो रही, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि इस जनरेशन में बीमारी थी, इस जनरेशन में भी बीमारी आई, इसके बच्चों में भी बीमारी जा रही है, इसके बच्चों में भी बीमारी जा रही है। इसका मतलब है जनरेशन स्किप नहीं हुई, मतलब आपके सारे केसेस ओपन है। इट कैन बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, इट कैन बी ऑटोसोमल रिसेसिव, इट कैन बी एक्स लिंक डोमिनेंट, इट कैन बी एक्स लिंक रिसेसिव। अब हम सबसे पहले एक्स लिंक डोमिनेंट का रूल पढ़ाया था, एक बीमार लड़का ढूंढो, बीमार लड़का ढूंढ लेते हैं, ये रहा बीमार लड़का, इसकी माताजी बीमार है, सही बात है, माताजी बीमार है इसकी, ऐसा मत सोचना, ये लड़का जो है ये इसकी माताजी नहीं है, ये इसकी सासू माँ है, तो इन गलतियों से बच के रहना एग्जाम में, ठीक है। तो लेकिन हाँ, हम इस बीमार लड़के को ऐसे देख सकते हैं, बीमार लड़का है, माताजी इसकी बना नहीं रखी इस पेडिग्री में, लेकिन क्या इसकी सारी बेटियां अफेक्टेड है, नहीं है, ये वाली बेटी इसकी बीमार नहीं है, मींस ये एक्स लिंक डोमिनेंट तो है ही नहीं, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है, मींस ये एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है। एक्स लिंक रिसेसिव के लिए सॉल्व करते हैं, इसका ऑपोजिट, एक बीमार लड़की देखनी थी, बीमार लड़की देख ली, क्या इसके पिताजी बीमार है, नहीं है, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी ऑप्शन कट गया। अब आपके पास ऑप्शन आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, आंसर्स मुझे भी नहीं पता, मैं भी आपके सामने ही निकाल रहा हूं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, अच्छा देखो मेरे दिमाग में एक बात आई बहुत ऑब्वियस सी, ऑटोसोमल रिसेसिव, मैंने बोला अभी ऑटोसोमल रिसेसिव का एक रूल पढ़ा, अगर दोनों पेरेंट्स बीमार हैं और ऑटोसोमल रिसेसिव में बीमार को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो उनके सारे बच्चे बीमार पैदा होने चाहिए, लेकिन ये बच्चे तो नॉर्मल पैदा हो रहे हैं, मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है,
जब ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी नहीं है तो आपका आंसर क्या आ गया? ऑटोसोमल डोमिनेंट। बताओ समझ आया? आप पेडिग्री के क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा मत सोचना कि इसमें तो एक घंटा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे, स्पीड बढ़ जाएगी, एंड दिस इज योर आंसर बाय एलिमिनेशन मेथड। कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये अच्छी सी पेडिग्री दे रखी है मुझे ना, पेडिग्री देखते ही कुछ एहसास हुआ, नो बीमारी इस जनरेशन में, भी कोई बीमारी नहीं इस जनरेशन में, अचानक से बीमारी आ गई। मींस जनरेशन तो स्किप हुई है, अच्छी खासी हुई है। मींस पेडिग्री इज रिसेसिव, पेडिग्री इज रिसेसिव। ये जो पेडिग्री है ये एक रिसेसिव पेडिग्री है। अब हमें देखना है ऑटोसोमल रिसेसिव है या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो अगर हम इसे देखें, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का क्या रूल बताता है? एक बीमार लड़की ढूंढो, उसके पिताजी बीमार हों और उसके सारी बेटियां बीमार हों, पिताजी बीमार नहीं है तो एक्सलिंक्ड रिसेसिव तो हट ही गया। आंसर इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, आपका आंसर भी सिंपल शॉर्टकट तरीके से आ गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, पेडिग्री के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें पेडिग्री देख के बताना है एक्सलिंक्ड डोमिनेंट, एक्सलिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो सबसे पहले जनरेशन स्किप का कोई केस नहीं है, तो चार ऑप्शन खुले हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सब कुछ ठीक है। अब मैं अगर इसे ऐसे देखूं कि बीमार लड़का, इसकी माताजी तो बनी नहीं हुई, ये वाली मत देखना, ये सासू माँ है, ठीक है। ये बीमार लड़का, इसकी सारी बेटियां बीमार, हाँ भाई सही बात है। ये बीमार लड़का, इसकी बेटियां नहीं है लेकिन इसकी मां बीमार, हाँ, मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए चांसेस बन रहे हैं हमारे। नेक्स्ट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक लड़की बीमार, उसका बाप बीमार, ठीक है, लड़की बीमार, उसका बाप मतलब उसके फादर बीमार नहीं है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो कट गया। इसे यहां लिख दो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कट चुका है, इज इट ओके? तो एक ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया, एक पेडिग्री में एक से ज्यादा आंसर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है आपके सामने एक पेडिग्री बनी होगी, आप उसके आंसर सॉल्व करोगे, वो ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो, दोनों आंसर भी आ जाते हैं कई बार। कई बार तीन तीन आते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऐसा भी होता है। ठीक है, चलो अभी हम दो के कंक्लूजन पे पहुंचे। अब मैं कर रहा हूं इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए। अब ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। अगर मैं इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए समझूं, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में इसका जीनोटाइप मुझे कैपिटल ए स्मॉल ए लेना पड़ेगा, इसका स्मॉल ए स्मॉल ए लेना पड़ेगा। ये बात समझ आती है आप लोगों को? पूछोगे क्यों? क्योंकि भाई ऑटोसोमल डोमिनेंट में अनअफेक्टेड को, ये शेडेड नहीं है मतलब अनअफेक्टेड है, तो इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपका अगला क्वेश्चन कि सर आप इसे कैपिटल ए भी तो ले सकते थे। बिल्कुल ले सकता था, लेकिन यहाँ पे देखो एक नॉर्मल बच्चा भी पैदा हुआ है ना, और ये नॉर्मल बच्चा स्मॉल ए होगा, मतलब एक स्मॉल ए यहाँ से आएगा, एक स्मॉल ए यहाँ से आएगा। अगर मैं इधर कैपिटल ए ले लेता तो यहाँ पे तो कोई नॉर्मल बच्चा पैदा हो ही नहीं पाता, इसलिए मेरी मजबूरी है इसे कैपिटल ए स्मॉल ए लेना। इसका जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, ये कैपिटल है यहाँ से, ये स्मॉल है यहाँ से, ये कैपिटल है स्मॉल है, इसका जीनोटाइप स्मॉल है, इसका कैपिटल है स्मॉल है, इससे बच्चे, इसका कैपिटल है स्मॉल है आ जाएगा, इसका स्मॉल है, कैपिटल है स्मॉल है, 1000% ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए भी फिट बैठ गई है। तो दो आंसर आ गए एक ही पेडिग्री के, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, इज इट ओके? अब एक और हम करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए, ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए यहां लिख देता हूं मैं, इस बार मैं कर रहा हूं ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए। ऑटोसोमल रिसेसिव में अफेक्टेड इंडिविजुअल को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और अनअफेक्टेड को कैपिटल ए से या कैपिटल ए स्मॉल ए से। लेकिन अब आपका क्वेश्चन आएगा सर आपने कैपिटल ए क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर कैपिटल ए ले लेता तो यहां पे ये अफेक्टेड बच्चा कैसे पैदा होता? अफेक्टेड बच्चा तो स्मॉल ए से होगा ना, तो इसीलिए मेरी मजबूरी है इसे ऐसा लेना, और ये आपका पेडिग्री ऐसे चलती रहेगी, ये स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए आ रहा है,
आ सकता है स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए आ रहा है, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव भी आंसर हो सकता है। अब आप फंस जाओगे अगर आपके पास ऑप्शंस आए तो, कि भाई तीन में से लेकिन आंसर तो एक ही टिक करना है। यहां पे सॉल्यूशन है, मैंने बताया था ऑटोसोमल डिसऑर्डर में मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड इन इक्वल फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहां पे देखो 1 2 3 4 फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड देन मेल्स, मतलब बीमारी कहीं एक्स लिंक्ड है, कोई सेक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है। तो बेस्ट आंसर इज योर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। बताओ समझ आया, अगर एक से ज्यादा आंसर आ गए तो आप अपने आंसर पे कैसे पहुंचोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो एक और क्वेश्चन जिसमें हमें पेडिग्री बतानी। अच्छा मुझे देखो पेडिग्री देखते ही समझ आई एक बात, यहां पे और यहां पे देखो दोनों अनअफेक्टेड पेरेंट है, अनअफेक्टेड पेरेंट का एक बीमार बच्चा पैदा हो गया है, मींस जनरेशन स्किप हुई है और जनरेशन स्किप होती है तो आंसर रिसेसिव। अब ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है ये ढूंढते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का क्या रूल था, एक्स लिंक्ड रिसेसिव देखो मैं दोबारा आपको, रूल्स बहुत जरूरी हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में हमें देखनी होती है एक मदर जो कि बीमार हो, उसके फादर बीमार और उसके सारे बच्चे बीमार, लड़के बीमार, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में अफेक्टेड मदर ढूंढना, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में अफेक्टेड फादर ढूंढना, ठीक है सॉरी। तो हम यहां पे देख, अब एक्स लिंक रिसेसिव हमने ये रिसेसिव तो पहुंच गए हम कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन अब हमें देखना है ये एक्स लिंक रिसेसिव है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। एक्स लिंक रिसेसिव के लिए हमें देखनी थी अफेक्टेड मदर, अफेक्टेड मदर तो हमें दिखी नहीं रही, कोई अफेक्टेड मदर नहीं दिख रही, तो हम यहां पे हो गए हैं कंफ्यूज। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए अगर सॉल्व करें तो ऑटोसोमल रिसेसिव इसका आराम से आ जाएगा। ऑटोसोमल रिसेसिव में ये स्मॉल ए स्मॉल ए होगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, और सारे बच्चे कैपिटल ए स्मॉल ए पैदा हो सकते हैं। अब इसके दोनों आंसर निकल जाएंगे, आई होप आपको समझ आ रहा है और आपने सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन अगेन एक रूल और पढ़ते हैं, एक्स लिंक रिसेसिव में नंबर ऑफ मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स, तो नंबर ऑफ मेल्स आर मोर अफेक्टेड और इसमें नंबर ऑफ मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, तो बेटर आंसर इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, दिस इज द आंसर। ऑटोसोमल रिसेसिव भी गलत नहीं है लेकिन बेटर आंसर इज दिस, इज इट ओके। एक और क्वेश्चन, द पेडिग्री बिलो ट्रैक्स द प्रेजेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लोब थ्रू अ फैमिलीज जनरेशन हैविंग अटैच्ड ईयर लोब इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, मतलब पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव की है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव इन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया तो बहुत आसान बात कर दिया मान लिया। ऑटोसोमल रिसेसिव में दिस इज अफेक्टेड एंड दिस वन इज नॉर्मल, दिस इज अफेक्टेड अफेक्टेड अफेक्टेड, सारे बच्चे अफेक्टेड। देखो मैंने बताया था ना अगर दोनों पेरेंट्स बीमार होंगे एक रिसेसिव डिसऑर्डर में तो सारे बच्चे बीमार होंगे ऑटोसोमल रिसेसिव में, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल सेकंड थ्री, सेकंड में थर्ड का जीनोटाइप पूछा है। अब इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल या स्मॉल तो हो नहीं सकता क्योंकि स्मॉल या स्मॉल होता तो शेड करके देते क्योंकि अफेक्टेड होता, मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां पे तो कोई कैपिटल ए है ही नहीं तो यहां से तो स्मॉल ए ही आएगा और यहां से कैपिटल ए आ जाएगा, यहां से स्मॉल ए क्यों नहीं आएगा क्योंकि फिर स्मॉल ए अफेक्टेड होता है। एंड द फाइनल आंसर इज कैपिटल ए स्मॉल ए, बताइए क्लियर है। पेडिग्री के सारे कॉन्सेप्ट्स, पेडिग्री के सारे क्वेश्चन आई होप आपको समझ आए होंगे एंड क्लैरिटी आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने पेडिग्री का और इससे आपके पेडिग्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इज इट ओके। अगेन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेझिझक। ओके थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।